हाय दोस्तों नमस्कार, मैं अनु पाठक आप सभी का टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी फर्स्ट पेपर से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, संज्ञान कहते किसे हैं, उसकी आज मैं आपसे बात करूंगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। कई भाई आजकल आप लोगों को अच्छी तरीके पता है कि यूजीसी जो एग्जाम कराती है एनटीए के माध्यम से, अब वो सेम क्वेश्चंस हर सेट में नहीं रखती है बल्कि उससे संबंधित घुमा करके क्वेश्चनों का निर्माण करती है। तो हमने क्या देखा है कि लगभग 10 सेटों पर तैयार करती है वो, और 10 सेटों में हर टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाती है। बस उसके भाषा को चेंज करती है, उसके तरीके क्वेश्चन को चेंज करती है। तो आज मैं आपके सामने वह है टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसके क्वेश्चंस हमने कई बार देखे, इसीलिए आज हमारा एक प्रयास होगा कि हम अपने छात्रों को इस बात की जानकारी देने में माने सहयोग करें जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। तो जीन पियाजे का नाम आपने सुना होगा, इनका संज्ञानात्मक थ्योरी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि इस संज्ञानात्मक विकास के में बड़ी भूमिका गुस्ताव नाइजर साहब की भी है। गुस्ताव नाइजर ने इसमें कई चीजों को सहयोग किया हुआ है। गुस्ताव नाइजर जो है, इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम संज्ञान शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सर्वप्रथम संज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम संज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइजर ने किया था। अब संज्ञान से तात्पर्य है कि व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का विकास हो जाना और उसको ऐसा विकास हो जाना कि वह तथ्यों एवं अवधारणाओं को व्यापक तरीके से समझने में कामयाब हो गया है ना। तो संज्ञान सेंस इसी शब्द में है। सामान्य अर्थ में संज्ञान का अर्थ होता है जानना समझना, लेकिन ये बिना बुद्धि विवेक के संभव नहीं है, इसमें बुद्धि का बड़ा योगदान है। तो ये किस लेवल पर विकास करता है, कैसे कैसे डेवलप होता चला जाता है, कैसे कैसे जन्म लेने वाला बच्चा आगे चल के बड़े बड़े कार्य करने में संपन्न होता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है ना, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईएएस बन जाता है, तो ये बिना विकास के संभव तो नहीं है। वैसे हरलाव, अर्नेस्ट मैके, रॉस, इन जैसे विद्वानों ने भी मानव विकास की चार अवस्थाओं का जो है उल्लेख किया हुआ है। मैं उनकी चर्चा वन बाय वन करूंगा। इसी प्रकार जीन पियाजे साहब ने भी मानव विकास की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया है और उसी से संबंधित कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है कि संज्ञान मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, गुस्ताव नाइजर ने संज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार संज्ञान का तात्पर्य है कि जब पूरी तरीके से बुद्धि बैलेंस करने में सफल हो जाए, और बैलेंसिंग के लिए हर वो चीजों का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 फैक्ट को बिंदु बनाया, जैसे कहा स्मृति बेहतर होनी चाहिए है ना, संज्ञान तभी माना जाएगा कि आपका विकास हुआ है, स्मृति बेहतर होनी चाहिए, चिंतन शक्ति बेहतर होनी चाहिए है ना, स्मरण शक्ति बेहतर होनी चाहिए, प्रेरणा मोटिवेशनल चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन का काम होना चाहिए, और प्रत्यक्षण चीजों को बिना देखे बिलीव नहीं करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तो ये चीजें मिलकर ही संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करती हैं। तो संज्ञान जो शब्द है, यह संज्ञान है क्या, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है और जिसमें बुद्धि के द्वारा सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो जीन पियाजे साहब तक पहुंचने से पहले गुस्ताव नाइजर को समझना
बड़ा जरूरी था। तो आपने समझा स्मृति चिंतन प्रेरणा स्मरण प्रत्यक्षण संज्ञान की प्रमुख अवस्थाएं हैं, प्रमुख सहयोगी तत्व हैं, जिनके बिना आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है, माने एकदम बौद्धिक लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता और ये एक दिन में नहीं आता है ना। तो अब देखिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के प्रमुख विद्वान ये जीत प्याजे साहब हैं कहां के, स्विट्जरलैंड, तो स्विस विद्वान हैं ये, स्विस स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे साहब ने 1920 के आसपास अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक विकास थ्योरी किस प्रकार से बच्चे डेवलप करते हैं और किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, कैसे कैसे लेवल उनका विकास होता है, इसी बात को जीन प्याजे साहब ने रखा हुआ। तो इन्होंने दो चीजों को बताया, दो चीजों आपके मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है। देखिए दो चीजें, एक इन्होंने कहा संगठन और अनुकूलन। जब बच्चे के अंदर दो चीजें होनी शुरू हो जाए तो समझिए कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया। संज्ञानात्मक विकास की दो अवस्थाएं होती हैं, पूर्व संज्ञानात्मक जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं कहते हैं, है ना, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अंत में आपकी जो है आपकी उच्च संज्ञानात्मक क्षमता की जब बात होती तो सबसे बेहतर चरण होता है। तो ये तब आता है जब आपके अंदर ये दोनों गुण, बुद्धि के अंदर यह दोनों गुण आ जाने चाहिए। तो संगठन और अनुकूलन है क्या है, जीन प्याजे साहब का ये है क्या, तो मैं आपको यहां पर ये शेयर करना चाहता हूं कि ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में आपको बताने चल रहा हूं। तो संगठन जीन प्याजे साहब ने कहा यह आंतरिक पक्ष है, यह मानव के विवेक का आंतरिक पक्ष है ना, इसके अनुसार क्या क्या होता है वो भी मैं समझाता हूं, और अनुकूलन ये बाह्य पक्ष है, बैलेंसिंग का वाह पक्ष है, जो उद्दीपक चीजें होती हैं, जो हमारे ब्रेन को बुद्धि को उत्प्रेरित करती हैं, उद्दीपित करती हैं, ये उनका कार्य होता है, वाह पक्ष अनुकूलन कहा जाता। जीन प्याजे साहब का कहना है कि संगठन माने संगठित होकर मानव की बुद्धि कार्य करती है, संगठन सब पर यही है कि बुद्धि अकेले कार्य नहीं करती बल्कि वह समूह में कार्य करती है, ठीक है, संगठन के स्तर पर वह कार्य करती है, ठीक है। तो बुद्धि प्रत्यक्षण, बुद्धि संगठित, बुद्धि जो है संगठित होकर कार्य करती है, इसमें स्मरण चिंतन प्रेरणा स्मृति अच्छा ये थोड़ा सा कलर या पैड है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए ध्यान से, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, बुद्धि संगठित होकर कार्य करती है, कार्य करती है, इसमें संगठन दिख रहा बढ़िया से, संगठन किस रूप में, स्मृति चिंतन प्रेरणा प्रत्यक्षण यह सब
मिलजुल कर कार्य करते हैं। समझना, ये सभी आपस में बुद्धि जब एक साथ बैलेंस होती है तब किसी चीज का वास्तविक ज्ञान हो पाता है। ठीक है, वास्तविक ज्ञान तभी हो पाता है जब ये चीजें संगठित होकर कार्य करती। भाई चिंतन क्षमता बढ़िया होनी चाहिए। जैसे बच्चा होता है वो चीजों को कैसे जोड़ता है, उसके पास जब चीजें धीरे धीरे पुरानी चीजें जुड़ती चली जाती है अभ्यास द्वारा, जब कभी ये कभी वो कुछ गलतियां करता उससे सीखता है, उसको याद रहता है, स्मृति रहती है कि आखिर में हमने क्या कमियां की है ना, कैसे आग के पास गया तो जला तो डर गया तो भविष्य में आपके पास जाने से डरेगा, पानी में उसको उलझन होती है तो पानी में जाने से डरेगा, डांट खाएगा तो भी बचने का प्रयास करता, तो वो धीरे धीरे मेमोरी स्टोर होती जाती है, दिमाग के जरिए मेमोरी मेंटेन होना शुरू करती है और फिर वो सोचने लगता है कि यह करूंगा तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, और फिर कुछ उसकी स्वयं के इच्छा शक्ति है, स्वप्रेरणा काम करता है जिससे वो अन्य कार्य करने में सफल हो जाता। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कुछ चीजें वो देख कर भी समझता है, तो ये सारी चीजें जब संगठित रूप से कार्य करती है तभी उसका विवेक कार्य करता है, बुद्धि का विकास होता है और अनुकूलन, ये वाह्य वातावरण की बात करता है ना, वाह्य वातावरण। ठीक, ये अनुकूलन क्या है, बालक वाह्य वातावरण के साथ समायोजित होकर या समायोजन कर अपना ज्ञान बढ़ाता है। देखिए दोनों प्रेरणाएं काम करती हैं, संगठन और अनुकूलन, ये तब दोनों एक साथ जब वर्क करती है बेहतर तरीके से तभी किसी बात का वास्तविक ज्ञान हो पाता है। जिन प्यारे साहब यही कहना चाह रहे हैं कि इस स्तर पर मतलब दोनों क्रियाएं जब साथ साथ काम, संगठन और अनुकूलन जब बैलेंस होता है तभी व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है, और इसे जिन प्यारे साहब ने चार अवस्थाओं में बांटकर समझाया है, तो इतना आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जो हमारी संस्था है टीचर्स एकेडमी, इसने क्या देखा है कि बच्चों की बेहद डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है कि भाई आप पुनः यूजीसी फर्स्ट पेपर के बैच को लॉन्च करें, क्योंकि अभी तिथि का फिर से नोटिफिकेशन आना बाकी है, और जहां नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी, तो इसे नोटिफिकेशन आ जाए इससे पहले ही एक और तैयारी हम लोगों ने कर रखी है कि जिससे हम आपका पुनः विकास कर पाए। तो ध्यान दे जरा, यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, और बिना व्हाट्सएप नंबर के आप हमसे कैसे जुड़ पाएंगे, तो 2 सेकंड में मैं आपका समय लूंगा। चलिए अगली कड़ी से मैं आपको जोड़ दे रहा हूं, संज्ञानात्मक विकास की तरफ आपको विशेष ध्यान रखना है कि जीन प्यादे साहब ने क्या क्या इसमें कहा है। तो गुस्ताफ नाइजर और जीन प्यादे का जो सिद्धांत है आपके सामने है, और इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको इससे जोड़ना है, 9628959292।
and 37. 96, 28, 95, 92, 37 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज सेंड करके हमसे जुड़ने का प्रयास करना होगा, तभी आप हमारी सेवाएं ले पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और जिन्होंने 1920 के आसपास अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें दो पहलुओं को उन्होंने विशेष सामने रखा, संगठन अनुकूलन। संगठन आंतरिक पक्ष की बात करता है और अनुकूलन वाह वातावरण की बात करते हैं जहां बच्चे उद्दीपित होकर उद्दीपन क्रियाओं के द्वारा अपना विकास करते हैं, वातावरण के सानिध्य में आते हैं, उनमें जो चीजें होती हैं उससे वो इंटरबैलेंस करने का प्रयास करते हैं, और इधर साथ ही साथ उनका बुद्धि का जो संगठन होता है वह कार्य करता है। इसमें स्मृति, चिंतन, प्रेरणा, प्रत्यक्षण, जो देखते हैं आंखों के द्वारा, माने मनसा वाचा कर्मणा, चीजों को जोड़ करके वह जो महसूस करता है, तब जाकर के उसके अंदर एक निश्चित छवि बनती है, ज्ञान बनता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जीन प्याजे साहब ने यही कहने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार से विकास करते हैं, हमारी बुद्धि का विकास कैसे होता है। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परीक्षा में इन्हीं चीजों को आता है कि भाई ये संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं, तो इसमें ऐसे चार चीजें दे देगा, चार में से तीन दे देगा और एक उसमें बाहर कर देगा, या सब उठा करके दे देगा, उसमें कहेगा ए बी सी डी करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक देखे, उसमें आपको कहेगा इसमें छाटिए संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब जीन प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया, मैं अब आपको उससे शेयर करने जा रहा हूं। तो चार अवस्थाएं, तो मैं एक बड़ा ही इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं कि जो बालक का धीरे धीरे विकास होता है वो भी हमें जानना होगा। साइकोलॉजिस्ट ने किस प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की बात की है, तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी बात करूंगा। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित कई विद्वान हैं, अर्नेस्ट, रॉस, हरलॉक आदि आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार के अनुसार चार अवस्थाएं, मानव शब्द लगाइए यहां पर, मानव विकास की चार अवस्थाएं, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से दिखना चाहिए और दिख रहा होगा पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो आइए, शैशवावस्था पहली अवस्था, शैशवा माने शिशु की स्थिति, जो एकदम स्वतंत्र काल होता है, शैशवावस्था, ये जन्म से 5 वर्ष तक। फिर दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यह आपकी 5 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। फिर इसके पश्चात आप इसे किशोरावस्था में ले जाएं, किशोरावस्था, किशोरावस्था में जब हम आते हैं तो लगभग 11 से 18 वर्ष, और इसके पश्चात
प्रौढ़ावस्था आ जाती है। ये इसलिए लिखा रहा, इसलिए बताना चाह रहा कि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया संज्ञानात्मक विकास से जोड़कर, इसलिए आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे 18 वर्ष के पश्चात। वैसे भी एडल्ट होने की उम्र मानी जाती है। तो देखिए सबसे कठिन अवस्था यह मानी जाती है, कठिन अवस्था या तूफान की अवस्था है, तूफान की अवस्था, तूफानी अवस्था है ना, सबसे प्लेन अवस्था ये होती है, पूरा कागज पूरी अवस्था है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आदर्श अवस्था भी इसी को आप कह सकते हो, आदर्श अवस्था ठीक है, और यही पूरी अवस्था भी है। बाल्यावस्था के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है, अनोखा काल। अब इसी को मैं अभी हरिषद वगैरह के स्मृति सिस्टम से भी मैं आपको जोड़ूंगा। तो पहले आप ये समझिए अर्नेस्ट बैके, रॉस टेलर, हरला जैसे मनोवैज्ञानिकों ने जो बालक के विकास की अवस्थाएं हैं चार बताया, का जन्म से 5 वर्ष तक की कोरी अवस्था या आदर्श अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपने सामान्य एक्टिविटीज के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, उसकी घर ही पाठशाला होती है, इसके द्वारा वह सीखता है। और ऐसे ही बाल्यावस्था की जब मैं बात करता हूं तो यहां वो धीरे धीरे समाज में आना शुरू होता है और उसको सारी दुनिया अलग से दिखने लगती है, यह अनोखी अवस्था होती है। और किशोरावस्था जो है इसमें पूरी तरीके से विचार बहुत तेज हो जाते हैं, समाज से जुड़ता चला जाता है, अनेक प्रकार के विचार नेगेटिव पॉजिटिव का संगम होता है, इसीलिए सबसे कठिन या तूफानी अवस्था कहते हैं। इसी में सबसे ज्यादा बैलेंस की आवश्यकता होती है, विचार भी सब ज्यादा आते हैं और विचार नकारात्मक सकारात्मक दोनों के संगम होते हैं। प्रौढ़ावस्था तो फिर आप मैच्योर हो जाते हैं, एक निश्चित आइडियोलॉजी बन जाती है। तो कुछ कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता जीन टाजे साहब ने सिद्धांत अपना दिया है कि जो चार अवस्थाएं हैं मानव विकास की उनको अब हम इसी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। तो ये मैं थोड़ा मिटाने का प्रयास यहां से करूंगा, तब जीन प्याजे साहब की अवस्था आप समझ पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है ना, इसमें क्या क्या चीजें कैसी होती हैं ये आपको ध्यान रखना है। विशेष करके स्मृति काल बाल्यावस्था से जुड़ी हुई है ना, और जो स्मृति के साथ साथ बौद्धिक प्रक्रिया की अवस्था है वह भी बाल्यावस्था में जुड़ जाती है। किशोरावस्था से सीधे सीधे पूरी तरीके बौद्धिक विकास का स्तर हो जाता है, उसमें बड़े लेवल पर स्मृति और चिंतन की तरफ बालक बढ़ जाता है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बाद में आपको शेयर करूंगा। अभी बेसिकली संज्ञानात्मक विकास हमारे टारगेट पर है, पहले आप उसको समझने का प्रयास करिए। तो ध्यान से समझिए, अब जीन प्याजे साहब ने, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, की अवस्थाएं, अवस्थाएं चार इन्होंने बताई। कौन कौन सी बताई? चार बताई। उसमें एक संवेदिक अवस्था जिसे सेंसरी मोटर की अवधि कहते हैं, संवेदिक अवस्था, संवेदनाएं बनती हैं बड़ी तेजी से बिगड़ती हैं, संवेदिक अवस्था है ना, जो जन्म से माने 0 से 2 वर्ष तक के लिए, 2 वर्ष तक ये संवेदिक अवस्था मानी जाती है। संवेदिक पेशी अवस्था भी इसे कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें बालक धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है और हाथ पैर चला करके वह सीखता है, अपने माँ को देखकर या उसके आसपास
कि लोगों को देख करके वह धीरे धीरे अपना विकास करता है। तो संवेदिक पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष की स्थिति को लेकर चलता है। अब दूसरी कंडीशन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 60 वर्ष तक मानी जाती है, प्री ऑपरेशनल माना जाता है ना। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल कंडीशन, है ना, प्री ऑपरेशनल कंडीशन, है ना। अब इसमें जो बालक है इसमें वह क्या करेगा, स्मृति अवस्था, स्मृति अवस्था है मतलब एक तरीके से बच्चे का बाल्यावस्था का विकास हो रहा है, ये बाल्यावस्था से जुड़ी, बाल्यावस्था एवं स्मृति, स्मृति चिंतन या स्मृति बेस, स्मृति आधार पर ज्ञान का विकास, जो 3 स्तर है उसमें स्मृति का इसी से जोड़ा जाता है और बाल्यावस्था। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह उम्र वैसे भी अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा है कि किस तरीके से मैंने चारों चीजों की अवस्थाओं को बताया कि भाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये बाल्यावस्था की स्थिति है, उसमें बाल्यावस्था मैंने 5 से आपको 11 वर्षों तक जोड़ा हुआ था, तो ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ बच्चा समाज में जाना शुरू होता है, धीरे धीरे उसका दिमाग खुलना शुरू होता है, लोगों से बातचीत करता है, समझने का प्रयास करता है, इसमें उसका दिमाग बड़ी तेजी से क्वेश्चन करता है। इसी अवस्था में सर्वाधिक क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, ये क्या है, ये क्या है, अभी वो समझ नहीं पा रहा, खुद से दिमाग को नहीं लगा पा रहा है, बस जो लोग बता दे रहे हैं उसी को सुनकर बिलीव कर ले रहा है, समझ ले रहा है, स्वयं से दिमाग उसका सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। जीव प्याले साहब ने कहा कि अब बालक चीजों को देखकर चौंधिया रहा, ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये किस प्रकार से हो गया, ये चीजें यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके पश्चात 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है या ठोस संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है, मूर्त अथवा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अब बच्चा धीरे धीरे चीजों को स्वयं बैलेंस करना सीख रहा है ना। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है और इसी को संज्ञान की अवस्था कहते हैं, यही आपकी संज्ञान की अवस्था भी मानी जाती है, संज्ञान की अवस्था माने अब धीरे धीरे उसका बौद्धिक ज्ञान बढ़ रहा है, अब वो चीजों को देखकर, वस्तु को देखकर स्वयं अब कयास लगा ले रहा है, क्या है ये, किस प्रकार से चीजें हैं, माने देखकर चीजों को अब वो समझने लगा, क्योंकि पिछली अवस्था में पूछ पूछ कर सीखा, याद करके सीखा, हमको ये बताया गया था, इसीलिए हमने इसको स्मृति अवस्था से आपको जोड़ा, मेमोरी बेस पर वो ज्ञान अपना बढ़ा रहा था और बाल्यावस्था है ये, ठीक है। और अब मूर्त अवस्था, यहां से 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में, ये जीव प्याले साहब कहते हैं 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में बच्चे का बौद्धिक विकास होने लगता है और वह चीजों को देखकर, वस्तुओं को देखकर कयास लगाने लगता। तो मूर्त माने अब वह चीजों को जो मूर्त देख रहा, प्रत्यक्ष देख रहा, प्रत्यक्ष महसूस करके अब वह सीखने लगा। तो आप को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से आप बेहतर अपना निर्माण कर पाएंगे। अभी तो ये बस मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का लगातार हमसे
डिमांड हो रही है कि सर एक बार क्रैश कोर्स चलाएं, क्योंकि पढ़ाई की चीजें फिर से रिवीजन करना, वैसे भी जान लीजिए कि यदि आप इन चीजों को पढ़ के छोड़ दें तो वह गायब हो जाता है, और उसे रिवीजन न करें तो अच्छी बड़ी तेजी से क्लिष्ट शब्दों का इसमें प्रयोग होता है और आसानी से सामंजस्य बैठा नहीं पाता है बच्चा। इसीलिए रिवीजन के लिए आप प्रयास करें, जो लोग छूट गए हों वो जुड़ने का प्रयास करें, जो अभी जुड़े थे फिर से रिवीजन चाहते हैं वह लोग भी जुड़ने का प्रयास करें, है ना, जिससे क्या होगा तेजी से हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से कम समय में हम लोग इसके पूरे के पूरे 10 टॉपिक को बेहतर पढ़ा सके, और सिर्फ अकेले नहीं मैं विशेषज्ञों के साथ जो प्रमुख रूप से हमारे भाग है उनको मैं पढ़ाऊंगा, इसके अलावा अन्य एक्सपर्ट के द्वारा भी मैं आपके जुड़ने का प्रयास करूंगा। और तुरंत हमसे जुड़ने के लिए मैसेज करें, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9628959237, है ना, 96 28 95 92 37 के व्हाट्सएप नंबर पर आप यहाँ मैसेज करें और हमसे जुड़ने के लिए आप प्रयास करें और अतिशीघ्र करें, जिससे हम लोग बिना देर किए इसको चला सके। तो आइए फिर से जीत प्याजे साहब की पहली अवस्था, इन्होंने कहा बाल्यकाल जो जन्म होता है शैशवावस्था संवेदिक पेशी अवस्था होती है, यहाँ बच्चा बस चिल्लाकर सोचकर समझकर हाथ पांव पटककर अपने परिवार वालों से सीखता है, यहाँ बच्चा अब धीरे धीरे समाज के बीच में जाता है, क्वेश्चंस बढ़ते हैं, ये क्या है ये क्या है ये क्या है, उससे प्रश्नों का प्रश्न कर करके अपनी चीजों को बैलेंस करता है, वो है ना सीखता है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। अब उसके पश्चात तो संक्रियात्मक अवस्था में ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, अब कुछ चीजें बिना पूछे भी वह जानने लगता है ना, चीजों को अरेंज कर तो अब देख करके समझने लगा बच्चा। और चौथी जो अवस्था है ना अतिसंज्ञानात्मक अवस्था है, जो वह अमूर्त संज्ञान संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसका जो समय है 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक माना जाता है। अब इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे औपचारिक विमर्शी चिंतन आदि आदि संज्ञा, इसे क्या कहते हैं आदि, दिख रहा है बढ़िया से आपको, आपको दिख रहा है ये बेहतर, ठीक है आपको नहीं दिख रहा है यहां पे, और अच्छे से हम लिख दे रहे हैं, फिर से रुकिए ये राइटिंग साफ नहीं दिख रही है, फिर से हम आपको बता दें, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है, और चौथी हमने अवस्था बताई अमूर्त मेटाकॉग्निक्स, है ना, अमूर्त संक्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था, यह जो अवस्था है बालक की वह 11 से 18 वर्ष के लिए जाना जाता है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है ना, औपचारिक अवस्था, इसके अलावा इसे विमर्शी अथवा चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और इसका अगर उम्र से मैं जोड़ूं तो यह किशोरा अवस्था की बात करता है, किशोरा अवस्था है ना। तो ये देखिए ये इसलिए जोड़ा कि क्वेश्चन आया था 2019 में क्वेश्चन आया था कि जो औपचारिक या विमर्शी चिंतन की अवस्था है वह जीवन के किस अवस्था से जुड़ती है, तो किशोरा अवस्था से आपको जुड़ना है,
और ये है क्या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बालक इस अवस्था में यहां पहुंच जाता है कि चीजों का कयास लगाकर भी ज्ञान प्राप्त कर लेता, अमूर्त जो चीजें वो देख नहीं रहा है उसका भी वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी बात को संकेत करती है कि देखिए जैसे इससे पहले मूर्त था, देख करके सीखता था, समझता था, बैलेंस करता था, लेकिन अब बिना देखे कयास लगाकर ऐसा रहा होगा, अब वो अपनी आइडियोलॉजी बना लेता है, अब बिना देखे ही सुनकर की चीजों को समझकर एक आइडियोलॉजी बना लेता है। तो शोध के लिए, शोध जो छात्र होते हैं उसकी यह अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए शोध कार्य पीजी लेवल पर दिया जाता है, क्योंकि इस समय तक आपका संज्ञानात्मक विकास की अति संज्ञानात्मक अवस्था इसे कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, इसको संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहते हैं, संज्ञान विकास, संज्ञान की अवस्था इसे कहते हैं, और इसे मेटाकॉग्निक्स माने अति संज्ञानात्मक अवस्था इसे कही जाती है, अति संज्ञानात्मक अवस्था, अति संज्ञान मेटाकॉग्निक्स है ना, इंग्लिश शब्द है मेटाकॉग्निक्स की अवस्था, ये कॉग्निक्स की अवस्था है और ये मेटाकॉग्निक्स की अवस्था है। तो अब इसमें भी क्वेश्चन है कि चिंतन या विमर्शी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, माने जीन प्याजे साहब ने जो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की बात की वही चिंतन अथवा विमर्शी स्तर की अवस्था कही जाती है और यही किशोरा अवस्था से मैच करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, विशेषकर औपचारिक अवस्था किसे कहते हैं, वह भी अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है, किसे विमर्शी चिंतन की अवस्था, क्योंकि इसमें विचार विमर्श के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम दूसरों से मिलते हैं तो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, माने हमारे पास बुद्धि विवेक इतना हो चुका होता है कि बाहरी वातावरण से हम सामंजस्य बिठाकर कुछ न कुछ अपने प्रश्नों का जवाब खोज लेते हैं, और जो चीजें मैं खोजने निकला हूं बिना देखे उसका भी कयास हम लगा लेते हैं। अमूर्त का तात्पर्य यही है कि जो दिख नहीं रहा है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेना। पहले टेलीपैथी मानी जाती थी, टेलीपैथी जब बुद्ध विवेक का वो लेवल होता था तो भाई टेलीफोन हमेशा थोड़ी था, है ना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल थोड़ी थी, हुआ टेलीपैथी के माध्यम से कभी कभी लोग एकदम सत्य चीजों को महसूस करके उसकी बातों को समझ करके चीजों को अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो ये इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी माने बुद्धि विवेक का विकास कितने चरणों में होता है, चार अवस्थाओं में, जीन प्याजे साहब ने समझाया, संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को औपचारिक या विमर्शी चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, यही अति संज्ञान की भी अवस्था है। तो इसमें चीजों को देखकर सीखता है, यह बाल्यावस्था में भी समझ में आता है, यह बाल्यावस्था की भी पहचान होती है, जैसे हमने लिखा कि यह किशोरावस्था, तो यह आपकी किस अवस्था को शो करती है, यह बाल्यावस्था को शो करती है। तो मूर्त बाल्यावस्था, अमूर्त क्या है, ये किशोरावस्था। तो मैं समझता हूं कि इससे संबंधित अब जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे आप सारे घुमावदार प्रश्नों का जवाब खोज लेंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर के द्वारा आपको जोड़ता रहूंगा। फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम कैश कोर्स चलाने जा रहे हैं, आप तुरंत बिना देर के एक अवसर है आपके पास कि हमारे व्हाट्सएप नंबर, टीचर्स एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर को आप शेयर करें, है ना, उस पर मैसेज करें 9628959237 9628959237 पर आप उस पर मैसेज करें और हमसे तुरंत जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।